अंसारी वो नाम जो सुनकर यूपी के हर एक शख्स के कान खड़े हो जाते थे। मुख्तार का सिक्का कुछ यूं बोलता था कि जब चाहा जो चाहा वो उसके पास होता था। गैंगवार और रसूखी ये तो बाएं हाथ खेल हुआ करता था। एक दौर था जब मुख्तार अंसारी का कारवां निकलता था तो लाइन से 19-20 SUV गुजरा करती थी। सारी गाड़ियों के नंबर 786 से खत्म होते थे। किसी के क्या मजाल कि पूरे शहर का भारी ट्रैफिक उन्हें 2 मिनट भी रोक सके। इन इलाकों में 5 चाय की दुकान पर बैठे चचा लोग बता देंगे कि मुख्तार अंसारी जब चलता था तो बॉडीगार्ड समेत अपने पूरे गैंग में सबसे लंबा दिख जाता था। कोयला, रेलवे, शराब का ठेका, गुंडा, टैक्स वसूलने वाला मुख्तार अंसारी आज यूपी जाने में भी डर रहा है, जिसकी वजह है बीते दिनों योगी सरकार के राज में गुंडों का गिड़गिड़ाना। मुख्तार के दादाजी मुख्तार अहमद अंसारी कांग्रेस के कभी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। भाई अफजाल 4 बार कम्युनिस्ट पार्टी से MLA रह चुके हैं और चाचा जान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के VC रह चुके हैं। मुख्तार पिछले 16 सालों से जेल में ही बंद है। मर्डर, किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन जैसी दर्जनों संगीन वारदातों के आरोप में मुख्तार अंसारी के खिलाफ 40 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। फिर भी दबंगई इतनी है कि जेल में रहते हुए भी ना सिर्फ चुनाव जीतते हैं बल्कि अपने गैंग को भी चलाते हैं। 2005 में मुख्तार अंसारी पर मऊ में हिंसा भड़काने के आरोप लगे। साथ ही जेल में रहते हुए BJP नेता कृष्णानंद राय के 7 साथियों समेत हत्या का इल्ज़ाम भी अंसारी के माथे पर लगा। गैंगस्टर से पॉलिटिशियन बने मऊ से BSP विधायक मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद थे, जहां जेल में ही दिल का दौरा पड़ने की बात सामने आई। उनसे मिलने पहुंची उनकी पत्नी आफसा अंसारी को भी ठीक उसी वक्त दिल का दौरा पड़ गया। दोनों को इलाज के लिए पहले जिला अस्पताल और फिर वहां से कानपुर के अस्पताल लाया गया। वहां भी इलाज नहीं हो सका, जिसके बाद दोनों को लखनऊ स्थित SGPGI में भर्ती करवाया गया। वहां डॉक्टरों ने सारी जांचें कर ली, कुछ भी नहीं निकला। डॉक्टरों ने कहा कि मुख्तार अंसारी पूरी तरह से ठीक हैं। इसके बाद उन्हें वापस बांदा जेल भेज दिया गया। वहीं उनके घर वालों ने सरकार पर आरोप लगाए कि कुछ लोगों के दबाव में मुख्तार को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। पंजाब से उत्तर प्रदेश आते सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करते वक्त मुख्तार अंसारी के दिमाग में वो दिन दौड़ रहे होंगे जब उसने उत्तर प्रदेश को अपनी जागीर समझ लिया था और खुद को सर्वे सर्वा मानकर यह भूल गया था कि हर कर्म का फल यही भोगना है। हर किसी को कर्म भोगना पड़ता है, अच्छा या बुरा। कर्म की पहचान समय खुद करवा देता है।